ज्यादातर हम बच्चों को प्यारा और मासूम समझते हैं और बेशक वो होते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे और टीनेजर्स हैं जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में गिने जाते हैं। और जो इन मासूम से दिखने वाले बच्चों ने किया उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया में बेहद बदनाम है। मॉर्गन गेजर, एनिसा वेयर। आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी भूतिया कहानी है जो ऐसे ही इंटरनेट पर घूमती रहती हैं, और इन झूठी कहानियों को सच बताकर फैलाने वाला भी हम में से कोई एक होता है। लेकिन 2012 में दो लड़कियों ने मनोरंजन के नाम पर जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शायद हो सकता है आपने भी सिलेंडर मैन की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें एक बहुत लंबा आदमी जंगल के बीच में एक लड़की के साथ नजर आता है और बाद में वो लड़की मर जाती है। मॉर्गन और अनीसा ने पूरे एक साल तक इस कहानी की प्लानिंग करी और उस लड़की को ढूंढा जिसकी वो जान सिलेंडर मैन के लिए लेना चाहते थे। और 2012 अप्रैल के एक शनिवार को इन दोनों लड़कियों ने अपनी स्कूल की एक लड़की को जंगल में घूमने चलने को कहा। वो लड़की का नाम पेटन था और वो इनके साथ घूमने चलने को तैयार हो गई। अनीसा और मॉर्गन का प्लान था कि वो पेटन की जान चाकू मारकर ले लेंगी। उन्होंने पेटन पर एक के बाद एक कई वार किए और उसे मरा समझकर जंगल में ही छोड़कर वहां से भाग गई। लेकिन किसी तरह पेटन उस हमले में बच गई और घिसटते हुए सड़क तक आ पहुंची, जहां उसे मदद मिल गई। कई दिनों तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और वो पूरी तरह से ठीक हो गई, जिसके बाद पेटन के बयान पर मॉर्गन और अनीसा को उठा लिया गया और अदालत ने इन दोनों लड़कियों को 25 साल की गैर जमानती सजा सुनाई। और ये दोनों लड़कियां आज भी अपनी सजा काट रही हैं। बेवर्स ब्रदर्स। ये सब जुलाई 2015 ओक्लाहोमा में हुआ। 18 साल का रॉबर्ट और 16 साल का मिशेल, इन दोनों ने मिलकर अपने पूरे परिवार की जान ले ली, जिसमें उनके माता पिता समेत दो बच्चे भी शामिल थे। और ये सारा काम उन्होंने सिर्फ एक चाकू से किया। और ये सब उन्होंने क्यों किया इसके बारे में जानने के बाद तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पाया। असल में ये दोनों लड़के फेमस होना चाहते थे, जिस वजह से उनको फेमस होने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। और आजकल भी ज्यादातर अपराधों का कारण यही बन गया है कि लोग बस फेमस होना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। और इन दोनों भाइयों को आज भी अमेरिका में सबसे बदनाम लोगों में गिना जाता है। जिस समय वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस समय घर पर दो बच्चे और भी मौजूद थे और ये दोनों भाई उनकी भी जान लेना चाहते थे। लेकिन तभी उनको लगा कि जितना काम उन्होंने अभी तक किया है उससे भी वो फेमस हो जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने बाकी दो बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैस्मिन रिचर्ड्स। जैस्मिन भी दुनिया की सबसे खतरनाक बच्चों में गिनी जाती है। अमेरिका की रहने वाली जैस्मिन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जेरेमी स्टिंक था। लेकिन ये जोड़ा कोई आम नहीं था। ये दोनों आपस में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे जिन्हें आमतौर पर आप या मैं डरावना कहते हैं। और कई बार इन दोनों ने मिलकर जैस्मिन के परिवार को खत्म करने का सोचा, क्योंकि जैस्मिन का परिवार जेरेमी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जेरेमी की उम्र 23 साल की थी और वहीं जैस्मिन की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। और 2006 में एक रात जेरेमी जैस्मिन के घर आया और जेरेमी के माता पिता को सोते हुए ही मार डाला, जिसके बाद जेरेमी ने बताया कि उसका कोई इरादा नहीं था कि वो अपने माता पिता की जान लेने का। लेकिन जेरेमी ने सारा सच पुलिस के आगे रख दिया, जिसके बाद जैस्मिन को 10 साल तक सुधार गृह में रखा गया और वहीं जेरेमी को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। शर्ली वॉल्फ एंड सिंडी कॉलियर। 14 साल की शिरले और 15 साल की कॉलियर ने 85 साल की एना ब्रैकेट नामक महिला के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही दोनों लड़कियों ने महिला से कहा कि उन दोनों का कोई पीछा कर रहा है, प्लीज उनकी मदद करो। महिला ने इन दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने दिया, जिसके बाद तभी दोनों में से एक लड़की ने महिला पर चाकुओं से वार कर दिया और वहां से फरार हो गई। कमाल की बात ये थी कि जब वो हमला करके भाग रही थी तभी एना का बेटा उनके बराबर से गुजरा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि उसके घर पर क्या हो चुका है। और डराने वाली बात ये भी थी कि ऐसा ही काम ये दोनों लड़की पहले भी एक महिला के साथ कर चुकी थी। अब आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि ये सब इन दोनों लड़कियों ने क्यों किया। जहाँ 14-15 साल की लड़कियों को खेलकूद करना पसंद होता है, वहीं इन लड़कियों को किसी की जान लेने में ही मजा आता था, जिसके बाद इन दोनों को सुधार गृह में रखा गया। नेहमिया ग्रियागो। ये सब 2013 न्यू मैक्सिको में हुआ। एक 15 साल का लड़का जिसका नाम नेहमिया ग्रियागो था, उसने अपनी माता की जान लेने का सोचा। इसके लिए वो अपने पिता की 22 कैलिबर की राइफल का इस्तेमाल करने वाला था।
उसने रात में अपना काम कर दिया, लेकिन तभी उसके 9 साल के भाई की आंख खुल गई, जिसने सब कुछ देख लिया और वो किसी और को ना बता दे, इसी वजह से ग्रियागो ने उस पर भी गोली चला दी, जिसके बाद वो अगले कमरे में गया जहां उसकी 2 बहनें सो रही थी। उनके साथ भी उसने वैसा ही किया और तब उसने अपने पिता की आने की प्रतीक्षा करी ताकि उनके साथ भी वो ऐसा ही कर सके, लेकिन उसके पिता उस रात घर नहीं आए और सुबह तक तो खून घर से बाहर तक आ चुका था, जिस वजह से पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली और ग्रियागो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश करने से पहले उसके मुंह पर एक मास्क लगाया गया क्योंकि उसे कोई भी दूसरा इंसान पसंद नहीं था और वो हर किसी पर थूक फेंक रहा था, जिस वजह से उसके मुंह पर मास्क लगाया गया। अदालत ने उसे सिर्फ 7 साल की सजा दी और 2021 में वो बाहर आ जाएगा, लेकिन लोगों ने कहा कि जो उसने किया उसके लिए तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है जिसे ठीक किया जा सकता है। जेम्स फेयरवेदर। हर किसी का अपना एक आइडल होता है और वो इंसान अपने आइडल जैसा बनना चाहता है, लेकिन 14 साल के जेम्स का आइडल कोई और ही था। 2015 में इस लड़के ने एक महिला की जान चाकू मार कर ली और 2016 में एक आदमी की जान डंडों से पीट कर ली। उसका प्लान था तीसरे इंसान को मारने का, लेकिन उसे पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और 27 साल की सजा उसे सुनाई गई। उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे फिल्मों में कत्ल करते हुए देखना काफी पसंद था। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा डरावना कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।